बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 कंप्यूटर यूनिट नंबर 4 एल्गोरिथम थिंकिंग के आंसर क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीट सिंप्लीफाई किया हुआ है। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के आंसर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहला जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है वो है क्या जी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड डिकम्पोजिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। चीजों को डिफाइन और डिकम्पोज करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं प्रोसेस एनालिसिस। ब्रेकिंग डाउन अ बिग प्रॉब्लम इंटू स्मॉलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड ब्रिज। प्रॉब्लम्स को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। लुकिंग फॉर सिमिलरिटीज अमंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड, जो सेम जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कहते हैं पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। थिंकिंग द डोमेन ऑफ प्रॉब्लम एंड इग्नोरिटी इरेलेवेंट मटीरियल इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। डैश इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ दिस रिडक्शन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एल्गोरिथम। एवरी एल्गोरिथम हैज डैश एंड डैश स्टार्ट एंड स्टॉप। डैश फ्लो स्टेप्स विल एग्जीक्यूट इन द सेम सीक्वेंस दे आर रिटन इन सीक्वेंशियल। डैश फ्लो स्टेप आर एग्जीक्यूट ओनली इफ सर्टन कंडीशन इज ट्रू कंडीशनल। इन डैश फ्लो सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन अंटिल अ सर्टन कंडीशन रिमेंस ट्रू रिपीटिव। नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, पहला जी लिस्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट है वो आपने बताना है। पेज 54 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। देयर आर 6 स्टेप्स शुड फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। 6 स्टेप है जी। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई आपने करना है, प्रॉब्लम डिफाइन करना, अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, प्लानिंग करनी है सोल्यूशन की, टेस्ट करना है अपने सोल्यूशन का और सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन, फिर आपने उसमें सोल्यूशन निकाल लेना बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हम किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बुक के ऊपर नहीं मिलेगा, इसे हमने टाइप किया हुआ है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट या फिर इसे आपने नोट कर लेना। कंप्यूटर क्लासिक्स चैप्टर नंबर 4। आंसर जी, एज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड क्रिटिकल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एक सबसे पहला स्टेप होता है, फोकस करना अपने, क्लैरिटी डिफाइन द प्रॉब्लम हेल्प इन द फोकस एफर्ट्स एंड रिसोर्स फॉरवर्ड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने फोकस करना है और आपने फाइंड करना है सॉल्यूशन को कि जो इस में प्रॉब्लम दे रहे हैं। क्लैरिटी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन व्हाट नीड टू बी सॉल्व एंड व्हाट स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद आपने क्लैरिटी कर लेनी है कि इसमें जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है उसको हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द रूट केस ऑफ द प्रॉब्लम लीड्स टू अ मोर इफेक्टिव एंड लास्टिंग सॉल्यूशन। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड करना है उस प्रॉब्लम को कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ, कौन कौन से मेथड है, उसमें से कोई एक बेस्ट मेथड आपने चूज करना है। प्रायोरिटाइजेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम हेल्प प्रायोरिटाइज द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम एंड एलोकेट रिसोर्स अकॉर्डिंगली। इसमें देखिए वही आ गया कि आपने बेस्ट सोल्यूशन निकालना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन क्या है। बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्लैरिटी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम मेक इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट विद अदर, आप दूसरे को उस पर बता सके कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। अलाउ फॉर मोर इफेक्टिव कोलेबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, एंड के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग कर लेना कि मैंने इसको किससे सिंप्लीफाई करना है। एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम प्रोविंसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इनफॉर्म डिसीजन एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। देयरफॉर एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अचीविंग अ सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है उसके बारे में आपने बताना है। 54 पेज के ऊपर ही इसका आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम एनालिसिस, आंसर जी, प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड डिकम्पोजिशन अ प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर पार्ट ऑफ आइडेंटिफाई पॉसिबल इनपुट प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर दिया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है और इसके ऊपर काम किया जाता है। इट इज पर्पज फॉर फिगरिंग आउट 5 W's। ये 5 चीज़ों के ऊपर मुश्किल होता है, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहा, वो, कौन एंड वाई, क्यू फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
Nakashanja differentiate between specific and non-specific instruction in problem solving. Specific or non-specific instruction or problems के मतलब आपने बताना 56 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा. आंसर जी, sometimes we have clear instructions to solve a problem. These instructions are called specific instruction. कभी कभी क्या होता है, जब हम problems देख रहे होते हैं तो हमें क्लियर पता चल जाता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. Sometimes we do not clear instruction requirement for the algorithm and we have to extract then from the problem statement. Sometimes क्या होता है, हमें exact problem की समझ नहीं आ रही होती तो उसे हम कहते हैं non-specific instruction. Next है जी, how does planning solution reduce the risk of failure? 57 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा. Planning solution. Good planning is essential for successful executing of a solution. एक अच्छी planning एक अच्छे result की जिम्मेदार होती है. It ensures that you have everything you need and solve a problem. इसमें आपको पता होता है कि इसके अंदर problem क्या है और मैंने इसे simplify कैसे करना है. This will be minimized risk of failure. इसी तरह हम इसमें कम से कम risk कर देते हैं कि चीजें fail हो. Next question number 6 है, list the element that we must consider while selecting our solution. 57 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा. Following factors जी, सबसे पहला जी difficulty level, time to implement the solution, cost on implementation. The solution. Next question number seven, a differentiate between simple and complex problem. Ye bhi 57 page ke upar iska answer mil jayega. Answer: A problem that can be solved in simplest step is considered easy is most contentious even if it is large. Example: turning a fan, writing the table are specific number. Complex problem kya hota hai? The complex problem that cannot be solved in simple step are called complex problem. Example: drawing a car, finding the area of irregular shape. देखिए simple problem क्या है, कहते हैं कि सादा सी चीजें होती है, जैसे कि आपने बटन ऑन किया, फैन ऑन हो गया, आपने पेन से पकड़ के लिखना शुरू की, वो लिखना शुरू हो गया. फिर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या होता है, ड्राइंग अ कार, एक कार को ड्रॉ करना जो कि मुश्किल तरीके है, फाइंड करना एरिया इरेगुलर शेप का जो कि एक मुश्किल मेथड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न रिकॉग्निशन इन पैटर्न सॉल्विंग. 58 पेज को इसका आंसर मिलेगा. Pattern recognition. We look for similarities among and within problems. Next question number 9. List on benefit of computational thinking. 58 page ke iska answer milega. Sabse pehla hai decomposing. We learn how to break our complicated problem into smaller problem. Abstraction and generalization kya hai ji? We can focus on the important information only, ignoring irrelevant detail. उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन है, वी लुक फॉर सिमिलरिटीज अमंग एंड विद इन प्रॉब्लम्स. जनरलाइजेशन है, वी आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस दैट आर कॉमन अमंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड टू एक्सटेंड देम टू द जनरल प्रॉब्लम. एल्गोरिथम डिजाइन है, दिस डिजाइन अलो द प्रॉब्लम टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कन्फ्लिक्ट एंड डिसीशन मेकिंग, एल्गोरिथम थिंकिंग इम्प्रूव द कन्फ्लिक्ट्स इन डिसीशन मेकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडीशनल एंड रेपिटेटिव फ्लो. रेपिटेटिव फ्लो, रेपिटेटिव फ्लो आल्सो रेफर्ड एज अ इटरेटिव फ्लो इज अ प्रोसेस इन विच अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन रिमेन्स ट्रू. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिटेल है जी, हाउ कैन यू सेड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हेल्पफुल एवरीडे लाइफ. एवरीडे लाइफ के ऊपर हमारे हम कैसे कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्पफुल है. ये क्वेश्चन टाइप किया हुआ है तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की जाने. सबसे पहला जी, मेक इनफॉर्म डिसीजन. आपको इन्फॉर्म हो जाते हैं कि डिसीजन हमने क्या लेना है. बाय यूजिंग अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनालाइज एंड इवेल्युएट पोटेंशियल सॉल्यूशन इंडिविजुअल्स कैन मेक इनफॉर्म डिसीजन दैट लीड टू द बेस्ट आउटकम्स. सॉल्व प्रैक्टिकल इशू. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आर यूजफुल इन एड्रेसिंग एवरीडे इशूज सच एज फिक्सिंग अ ब्रोकन आइटम, फाइंडिंग अ मोर एफिशिएंट वे टू कंप्लीट अ टास्क और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. मैनेज स्ट्रेस है जी, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प इंडिविजुअल्स मैनेज स्ट्रेस बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू एड्रेसिंग डिफिकल्टीज सिचुएशन एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी. इनहेंस क्रिएटिविटी. प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन इनहेंस क्रिएटिविटी बाय इनकरेज इंडिविजुअल्स टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड फाइंड यूनिक सॉल्यूशन टू द चैलेंज. इंप्रूव रिलेशन होना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आर वैल्यू इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल. Promote personal growth by the continuously practice problem solving. Individual can develop their critical thinking and decision making skill. जब आप मुसलसल काम करते जाएंगे तो आपके अंदर ये स्किल खुद ब खुद पैदा हो जाएगी. Promoting personal growth and development.
Inclusion problem solving is a helpful skill in everyday as it enables individuals to make informed decisions, solve practical issues, manage stress, enhance creativity, improve relationship, and promote personal growth. Next session is discuss the step of problem solving process. 54 page ke upar iska answer milega. The step of problem solving is pehle apne problem ko identify karna hai. We have to be clear and specific identification of the problem. Kiske andar problem kaun si hai. Once identified, the problem should be tested in simple and clear fashion, hence it can be solved easily. उसके बाद आप इसको easily simplify कर सकते हैं. Defining a problem. Problem को आपने define करना है. Problem is said to be well defined. It does not contain any ambiguity. It is clearly defined and it has a clear goal. Next problem analysis आपने करना है कि problem जो आपने define किया आप उसको simplify कैसे करना है. Problem analysis is the process of defining a problem and decompose a problem into the smaller part of identify problem. पॉसिबल इनपुट फिर आपने उसको छोटे छोटे को भी तकसीम कर देना उसके ऊपर आपने प्रोसेस करना है एक्सपेक्ट करना है आउटपुट को रिलेट टू द प्रॉब्लम्स के साथ इसमें पांच फिगर हो सकती है व्हाट व्हेन वेयर हू एंड व्हाई फ्रॉम प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट उसके बाद एग्जांपल दी हुई है कंसीडर वी हैव अ रेसिपी ऑफ पास्ता एंड आवर गोल इज डिटरमाइंड इट्स इंग्रेडिएंट्स वी कैन एनालाइज ए गिवन प्रॉब्लम यूजिंग फॉलोइंग स्टेप फैक्ट व्हाट इज गिवन एम्प्टी रेसिपी हैव इंग्रेडिएंट्स input data we need pasta recipe output ingredients of pasta instruction we have separate ingredients of pasta recipe next what is deconstruction of a problem list on its benefit 54 page ke upar iska answer saath mein kuch type hai to chalte hain 54 page ke upar deconstruction of a problem deconstruction is the process of taking a big problem and breaking it down into a set of smaller problem ek bari problem ko छोटे से अगर उतने तकसीम करना डिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम कहलाता है इफ यू कैन सॉल्व ऑल द स्मॉलर प्रॉब्लम्स यू विल बी सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम जब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लेंगे फिर आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे अब इस क्वेश्चन का जो बकिया हिस्सा है वो टाइप है तो चलते हैं उस क्वेश्चन की जानिब बेनिफिट क्या है जी प्रॉब्लम द बेनिफिट ऑफ अ डिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग पहला जी इम्प्रूव क्लैरिटी हो जाएगी Deconstruction of problem provides a clear understanding of the issue and its components, making it easier to develop and implement a solution. Enhance creativity ho jayega, deconstruction of problem into a smaller part and encourage creativity think and lead to innovation solution. Better prioritization, deconstruction of problem allow for prioritization to the most critical elements, making it easy to allocate resources and focus effect efforts where they are needed most. इंक्रीज एफिशिएंसी है बाय ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स इशू इनटू स्मॉलर पार्ट है बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए और इंप्रूव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए इंक्लूजन डिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम प्रोवाइड क्लैरिटी इनकरेज क्रिएटिविटी इंप्रूव प्रायोरिटाइजेशन एंड एफिशिएंसी फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड एनहांस रिस्क मैनेजमेंट मेकिंग इट एन इफेक्टिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट आर द टेक्निक यूज्ड इन द डिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम 56 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा फॉलोइंग तकनीक है सबसे पहले जी सेपरेट रूट केस ऑफ द प्रॉब्लम टू नेविगेट द प्रॉब्लम स्पेस उसके बाद ड्रॉ लिमिट्स ऑफ प्रॉब्लम होनी चाहिए आइडेंटिफाई स्टेटमेंट विच अपीयर इजियर टू सॉल्व फाइव वर्ड है व्हाट व्हेन हु वेयर व्हाई स्टार्ट सॉल्विंग पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इजियर टू डिफिकल्ट कंबाइन ऑल सब सॉल्यूशंस टू मेक अ मेन सॉल्यूशन नेक्स्ट हाउ डज कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प अस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी हमने टाइप किया हुआ है फॉलोइंग इसके कुछ फैक्टर्स है पहला जी स्ट्रक्चर अप्रोच होनी चाहिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेकिंग इजियर टू एनालाइज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड टू डेवलपिंग सॉल्यूशन अब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए अब्स्ट्रैक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग विच इन्वॉल्व आइडेंटिफाइज एंड सेपरेटिंग द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द नेसेसरी डिटेल्स दिस मेकिंग इजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन होनी चाहिए इसके बड़ी प्रॉब्लम को अपने छोटे से अंदर तकसीम कर देना एल्गोरिथम डेवलपमेंट होनी चाहिए कंपटीशन थिंकिंग इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द एल्गोरिथम अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मेकिंग इट इजियर टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड इंप्रूव एफिशिएंसी टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट होनी चाहिए कि आपने जो काम किया उसको अपने टेस्ट करना और दोबारा आपने उसे देखना है इंक्लूडिंग कंपटीशनल थिंकिंग प्रोवाइड स्ट्रक्चर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग using abstraction and decomposition to analyze problem developing algorithm and testing and defining solution making it useful tool for solving complex problems next project based question hai pehla ji write an algorithm to create a pizza with four toppings ye jo tamam question hai ye tamam question type kiye hue question hai to chalte hain pehle question ki janib write an algorithm to create a pizza with four things pehla ji step 1 mein start hai step 2 select any four topping for pizza yani ke
पेपरोनी, सॉसेज, मशरूम्स, ऑनियंस, बेल पेपर्स, अब इसमें से कोई से भी चार आपने सेलेक्ट करने हैं। मेक अ लिस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द चूजन टॉपिंग्स, उसमें से आपने लिस्ट बना लेनी है। द लिस्ट विल बी एम्प्टी एज द बिगिनिंग, सेट अ कंप्यूटर टू जीरो। स्टेप फोर में करना, सेट अ काउंटर टू जीरो। स्टेप फाइव में आपने चेक इफ द काउंटर इज लेस देन फोर। स्टेप सिक्स में इफ द काउंटर इज लेस देन फोर, पिक वन टॉपिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द पॉसिबल टॉपिंग एंड एट इट्स लिस्ट डोंट द चूज टॉपिंग। स्टेप सेवन में इंक्रीज कर देना अपने काउंटर में बाय वन। स्टेप एट जो होगा वो रिपीट प्रोसेस होगा फाइव टू सेवन वाले स्टेप जो से। स्टेप नाइन के अंदर आपने चूज करना है टॉपिंग पिज्जा क्रस्ट को, और स्टेप टेन के अंदर बेक द पिज्जा इन ओवन ऑफ द करेक्ट अमाउंट ऑफ द टाइम एंड एट द करेक्ट टेम्परेचर। स्टेप इलेवन होगा टेक अ पिज्जा आउट ऑफ द ओवन, और स्टेप ट्वेल्व में सर्व द पिज्जा आउट, और स्टेप थर्टीन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है जी, राइट एल्गोरिथम दैट गिव्स द स्टेप इन्वॉल्व विद ब्रशिंग योर टीथ। तो आंसर जी एल्गोरिथम ब्रशिंग योर टीथ फॉलोइंग स्टेप, स्टेप वन स्टॉप, स्टेप टू वेट योर टूथपेस्ट टूथब्रश इन वाटर, स्टेप थ्री होगा स्क्वीज अ पीस साइज अमाउंट ऑफ द टूथपेस्ट ऑन द ब्रिस्टल ऑफ द टूथब्रश, स्टेप फोर होल्ड द टूथपेस्ट अगेंस्ट योर टीथ एंड ब्रश इन सर्कुलर मोशन ऑफ टू मिनट, ब्रश फोर जो स्टेप फाइव होगा ब्रश द फ्रंट बैक एंड टॉप ऑफ ईच बॉटम, स्टेप सिक्स में क्या होगा ब्रश योर टंग टू फ्रेश योर ब्रेथ, स्टेप सेवन होगा स्पिट द टूथपेस्ट आउट इन टू द सिंक, स्टेप एट में राइंस योर माउथ एंड टूथब्रश विद वाटर, स्टेप नाइन ड्राई योर माउथ एंड टूथब्रश, स्टेप जो टेन होगा वो स्टॉप। थर्ड राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। पहला स्टेप स्टार्ट है, दूसरे स्टेप में अपने इनपुट देना है वैल्यू ऑफ एक्स, थर्ड में इनपुट वैल्यू ऑफ वाई, और फोर्थ में इनपुट वैल्यू ऑफ जी। फिर आपने स्टेप फाइव में कैलकुलेट कर देना सम एक्स वाई एंड जी बाय एडिंग एक्स, सम इज इक्वल है यहाँ पे आएगा सम इज इक्वल है एक्स प्लस वाई प्लस जी। सिक्स स्टेप में डिवाइड दिस सम थ्री टू फाइंडिंग द एवरेज, यानी कि एवरेज सम डिवाइडेड बाय थ्री। स्टेप सेवन में आउटपुट और सम और एवरेज आएगा, और स्टेप एट जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट होगा जी राइट हैंड एल्गोरिथम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो स्टेप वन होगा स्टार्ट, स्टेप टू में इनपुट वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी, स्टेप थ्री में इनपुट वैल्यू ऑफ बी, स्टेप फोर में आउटपुट प्रोडक्ट, और स्टेप फाइव में कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो स्टेप सिक्स जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। स्टेप वन स्टार्ट होगा, स्टेप टू में इनपुट आ नंबर ए, स्टेप थ्री में मोड ए मॉडुलस टू, स्टेप थ्री में इफ मोड इज जीरो गो टू द स्टेप फोर एस गो टू द स्टेप फाइव। तो स्टेप फोर होगा प्रिंट ए इज इवन एंड गो टू स्टेप सिक्स, स्टेप जो फाइव होगा प्रिंट ए इज ऑड, और स्टेप सिक्स होगा स्टॉप। सिक्स है राइट डाउन टू डिफरेंट एल्गोरिथम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड चूज द बेस्ट अमंग देम। सबसे पहला जी स्टार्ट, इनपुट वैल्यू ऑफ ए देनी है, फिर आपने इनपुट वैल्यू बी देनी है, फोर में कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, स्टेप फाइव होगा आउटपुट प्रोडक्ट, और स्टेप सिक्स होगा एंड। और दूसरा इसका हिस्सा है एल्गोरिथम का, स्टार्ट करना है अपनी इनपुट वैल्यू ए देनी है बी देनी है, इनिशियलाइज है वेरिएबल रिजल्ट टू जीरो, रिपीट द फॉलोइंग स्टेप बी टाइम, एड द रिजल्ट आउटपुट रिजल्ट एंड। दिस फर्स्ट लॉगरिथम एल्गोरिथम इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपलर and therefore it is better choice for the finding the product of two number. The second algorithm is necessarily complicated and task more step to produce the same result. Next is write an algorithm to allow a person to enter a number. Algorithm will print table of number up to 10. Start karna hai apne input value deni hai x ki, initialize karna hai variable i to 1, repeat the process 5 to 7 while less than or equal to 10, calculate product of x and i, प्रोडक्ट एक्स आई हो जाएगा, प्रिंट कर प्रोडक्ट करना अपने इंक्रीमेंट आई बाय वन, और उसके बाद आपने एंड कर देना। ये थे मेरे पास कंप्यूटर क्लास सिक्स चैप्टर नंबर फोर।